Good morning, everybody. Most welcome in this English grammar book reading session. Let us participate in it positively. Today, we have to learn about adverb. Before knowing its definition, we need to go through some such words which are used as adverb. Let us participate in it positively. S L O W L Y, slowly. V E R Y, very. N I C E L Y, nicely. F A S T, fast. Q U I C K L Y, quickly. H E R E, here. These words are called adverbs. Now you will come to know why these words are called as adverbs.

सुनीता धीरे धीरे टहलती है हेयर द वर्ड slowly इज एन adverb बिकॉज इट modifies द वर्ड वाक्स यानी कि स्लोली जो है वो उसके टहलने की क्रिया की विशेषता बतलाता है इसी बात को अंग्रेजी में हम कहते हैं The word slowly modifies the word walks. Slowly टहलने की क्रिया की विशेषता बतलाता है इसलिए यह एडवर्ब है एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण इसके एंड में सफिक्स एल वाई होता है यह एक लक्षण है दूसरा दे रन वेरी फास्ट वे लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं अब आप देखें यहाँ पर जो ये वेरी है एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है क्योंकि ये बताता है कि वे लोग तेज़ी से बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है वेरी फास्ट जो एडवर्ब है इसकी भी विशेषता बदलाता है वेरी तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर एडवर्ब की जो विशेषता बदलाते हैं सब वे भी एडवर्ब है दे रन वेरी फास्ट थ्री प्रिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रिया बहुत सुंदर है तो यहाँ जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल इसकी विशेषता बताता है वेरी तो हम देखते हैं कि एडवर्ब एर, ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं दैट मीन्स द वर्ड विच मोडिफाइज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एज एन एडवर्ब अब इन तीन सेंटेंस के बारे में हम और ज्यादा लिखित रूप में जानेंगे

ये कंक्लूजन प्राप्त हो गया दूसरे उदाहरण से हम दूसरा कंक्लूजन प्राप्त करते हैं इन द सेकेंड सेंटेंस वेरी इज एन एडवर्ब एंड इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ फास्ट फास्ट इज एन एडवर्ब दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो एडवर्ब फास्ट है उसको भी मॉडिफाई करता है यानी इसकी विशेषता बताता है वेरी इसलिए यह एडवर्ब है तो हम कह सकते हैं एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच मॉडिफाइज ऑल्सो एन एडबर्व यह कंक्लूजन इससे प्राप्त हो गया तीसरा वाक्य है प्रिया इज वेरी ब्यूटीफुल प्रिया बहुत सुंदर है तो इसकी जो विशेषता है सुंदरता है उसकी विशेषता वेरी बदलावता है तो इस तरीके से हम ये कंक्लूजन प्राप्त करते हैं कि एन एडबर्व इज ए वर्ड विच मोडिफाइज एन एडजेक्टिव ऑल्सो इन द थर्ड सेंटेंस वेरी इज एन एडबर्ब एंड इट एड सम मीनिंग ऑफ ए ब्यूटिफुल दैट इज एन एरजेक्टिव सो हियर एन एडबर्ब मॉडिफाइज एन एर्जेक्टिव इन तीनों दृष्टि को प्राप्त करने के बाद हम एडबर्ब की डिफिनीसन प्राप्त कर लेते हैं वह क्या है एन एडबर्व इज ए वर्ड विच एड समिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एडबर्ब और एडजेक्टिव एक बार और आपके सुविधा के लिए इसे दोहराएंगे एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव इस तरीके से आज के बुक रीडिंग सेशन में आपका क्लास समाप्त हुआ इसे आप नोट करेंगे और चेक करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग शी